वैसे तो और भी इनोवेशन स्कीम्स चल रही हैं, लेकिन रेलवे से जुड़ी हुई ये पहली स्कीम है जिसमें रेलवेज़ की जो प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ती हैं उन पे काम करके हमारा इनोवेटर या हमारा एंटरप्रेन्योर रेलवे के साथ जुड़ सकता है। रेलवेज़ इस प्रोसेस में उसको करीब 1.5 करोड़ तक की मदद देने के लिए तैयार है और एक्सपेक्ट करता है कि वो भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा। किस तरह की योजना है, युवक कैसे इससे जुड़ पाएंगे? युवक जो हमने अपने पोर्टल बनाया है रेलवेज़ ने, उस पे रेलवेज़ की आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स, अभी फ़िलहाल इनिशियली केवल 10 प्रॉब्लम्स रखी गई हैं, उन पे जिनको भी लगता है कि उस पे सोल्यूशन दे सकते हैं वो अपने को रजिस्टर करके ऑनलाइन रेलवे बोर्ड को अप्रोच करेंगे। रेलवे बोर्ड जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनमें शॉर्टलिस्ट करके उनके क्रेडेंशियल्स देखते हुए कुछ आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट्स पे उनको यस कहेगा और फिर उनको सहायता मिलेगी और उस पर वो काम करके अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। जो प्रोडक्ट वो डेवलप करेंगे उनका IPR राइट होगा और उनको रेलवे अश्योर करेगा कि ऑर्डर्स प्लेस करें। किस तरह के युवा आपकी योजना से जुड़ सकते हैं? हर तरह के युवा और इंडस्ट्री वाले जो भी लोग हैं वो इससे जुड़ सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल, जो भी उसमें हमें सोल्यूशन दे सकते हैं हमारी समस्याओं को लेके। डेढ़ करोड़ रुपए तक रेलवे जो भी स्टार्टअप को आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार। जो रेल मंत्रालय में, तो रेलवे में जो जितने यूजर्स हैं और उसमें बहुत से पढ़े लिखे हमारे ऐसे युवा भी हैं जो अच्छे अच्छे स्कूलों से, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस से, मैनेजमेंट कॉलेजेस से निकले हुए हैं और जिनके दिमाग में रोज जब वो यूज करते हैं रेलवे को, तो तमाम तरह के इनोवेट करते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन है तो ये टेक्नोलॉजी वगैरह जो जुड़े लोग हैं वही कर सकते हैं, कॉमन मैन भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे जो अभी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड हैं रेलवे की, जैसे ट्रैक की क्लीनिंग प्रॉब्लम्स तो अभी और भी धीरे धीरे जैसे जैसे समझ में आता है, जैसे जैसे ये स्टार्टअप करते हैं एंटरप्रेन्योर्स आगे आते हैं तो प्रॉब्लम्स भी काफ़ी होती है रेलवे से, जो कि उन इन्फॉर्मेशन को दी जा सकती है कि उस पर काम करके कोई सोल्यूशन। पहले वो सोल्यूशन लाएंगे फिर आपको